हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एकदम डिफरेंट एकदम यूनिक रेसिपी लेके आए हैं। चॉकलेट मोदक बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और आप इसको इस रेसिपी को फटाफट से बना सकते हैं जब भी आपका मन करे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चॉकलेट मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड, 250 ग्राम व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड। अब हम इनको सबसे पहले पीसेस कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एकदम छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको सबसे पहले मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं या आप कढ़ाई में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चॉकलेट मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं, कढ़ाई में कर सकते हैं, किसी भी चीज में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल बॉयलर में कर रही हूँ। इसके लिए मैंने भगोने में पानी रख दिया है। देखिए, बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में कोई भी माइक्रोवेव सेफ बाउल है तो आप उसको यूज में ले सकते हैं, वरना आप इस तरह से किसी स्टील के बाउल को भी ले सकते हैं जो उसमें एकदम फिट आ जाए। अब इसमें मैं सबसे पहले चॉकलेट डाल रही हूँ और इसको अच्छे से हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे, ताकि जिससे हीट लगेगी इसको तो ये अपने आप से मेल्ट होने लग जाएगी। देखिए, अभी तो मैंने डाला ही है और चॉकलेट मेल्ट होने लग गई है। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको 2 से 3 सेकंड के लिए इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, उसी में चॉकलेट हमारी पूरी मेल्ट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी डार्क चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसी तरह से हम व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया है, बहुत अच्छे से भी मेल्ट हो गई है। अब आप चाहें तो इसको अलग बर्तन में निकाल सकते हैं, वरना आप इसी में रहने दें। और अभी हम इसे कम से कम 5 से 7 मिनट ठंडा होने देंगे। मैं इसको इसमें से अलग निकाल दे रही हूँ और अभी इसको हम ठंडा होने देंगे चॉकलेट को, फिर उसके बाद हम इसका मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, चॉकलेट मोदक में अंदर फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं 1/2 कप पिसे हुए बादाम, 1/2 कप पिसे हुए पिस्ता, 1/2 कप पिसे हुए काजू, 1/2 कप मैंने लिया है नारियल का बुरादा और 1/2 कप लिया है मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक खाली बाउल लिया है, इसमें मैं अपने ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लूंगी। बहुत अच्छी तरह से अब हम इस सारे मटेरियल को तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छा से इसको एकदम जैसे हम आटा लगाते हैं ना, उस तरीके से एकदम टाइट इसको कर लेंगे, ताकि ये फिलिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा हाथ से सही कर लेते हैं, ताकि क्या है कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसमें हमें मीठा नहीं डालना है, क्योंकि जो कंडेंस मिल्क होता है उसमें अपने आप में मीठा होता है और चॉकलेट हमारी ऑलरेडी मीठी है। अब हम इसके बिल्कुल छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। देखिए, इस तरह से मुझे इसके बॉल तैयार कर लेने हैं। ऐसे मैं सारे बॉल तैयार करके साइड में रख लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने ड्राई फ्रूट्स की सभी बॉल्स तैयार कर ली हैं। फ्रेंड्स, देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, चॉकलेट ठंडी होने लग गई है। अब हम फटाफट से मोदक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मोदक बनाने का सांचा लिया है। ये मोदक सांचा है, इसमें हम सबसे पहले व्हाइट चॉकलेट को डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, व्हाइट चॉकलेट मैंने डाल दी है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स की बॉल बनाई है वो हम एक डाल देंगे सेंटर में, और अब ऊपर से डार्क चॉकलेट डाल देंगे। देखिए, मैंने डार्क चॉकलेट भी डाल दी है। बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे, बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ेंगे। देखिए
देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी डार्क चॉकलेट से इसको कवर कर दिया है, एकदम अच्छे से भर दिया है इसको। अभी हमें खोलना नहीं है, हम 2 से 3 मिनट वेट करेंगे। फ्रेंड्स एक चीज का आप और ध्यान रखें, क्योंकि इस समय विंटर सीजन है, अगर चॉकलेट आपकी टाइट हो जाती है तो आप वापस जो हमने बॉयलर रखा था उसमें आप अपने कंटेनर को उसमें रख करके चॉकलेट को वापस से मेल्ट कर लें और बना लें। फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए हैं, आइए आपको खोल के दिखाते हैं। बिल्कुल आहिस्ता से निकाल लीजिए इसको इसमें से, ताकि टूटे नहीं। देखिए लुकिंग में बहुत ही सुंदर बना है, डिजाइन भी एकदम परफेक्ट आई है। इसी तरह से हम सारे मोदक बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक बार आपको और बता देते हैं हम बनाना, अगर आप व्हाइट चॉकलेट ज्यादा डालना चाहते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें हमने ड्राई फ्रूट की बॉल लगा दी है बीच में, और डार्क चॉकलेट, अब इसके ऊपर से हम डार्क चॉकलेट डाल देंगे, बहुत अच्छे से ऊपर तक भर देंगे इसको, और 2 मिनट ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे, लुकिंग में बहुत बढ़िया लग रहा है और खाने में भी बहुत यम्मी लगता है। आइए हम सारे मोदक बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स चॉकलेट मोदक बिल्कुल रेडी हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर और बहुत यम्मी लग रहे हैं। आप इसको किटी पार्टी पे, बर्थडे पार्टी पे, या जब आपका मन करे तब आप इसको बना सकते हैं। एक पीस मैंने यहाँ पे कट करके भी रखा है, आप देखिए इसको अंदर से भी लुकिंग में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो प्लीज़ आप ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।